वेलकम बैक। तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे परसेंटेज क्लास फिफ्थ के लिए। तो स्टोरी सम एक मैंने पहले भी करवाया था, आज मैं स्टोरी सम कुछ और एग्जांपल आपके सामने लेके आई। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, सीमा स्पेंट 90% ऑफ ₹560 ऑन हर ड्रेस। मतलब सीमा ने एक ड्रेस खरीदी, उसके पास थे ₹560, और 560 का 90% उसने ड्रेस पे खर्च कर दिया। अब ये बताना है हाउ मच शी स्पेंट ऑन ड्रेस, कि अकेले ड्रेस खरीदने के ऊपर उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए। तो सीमा के पास टोटल अमाउंट कितना है, ₹560। तो टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट है ₹560 शी स्पेंट ऑन ड्रेस। She spent on dress. तो कितने परसेंट किए, 90%। अब हमने निकालना है अमाउंट, यानी हाउ मच अमाउंट शी स्पेंट ऑन हर ड्रेस। तो हमने इसको परसेंटेज को अमाउंट में निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया था परसेंटेज मीन्स 100, परसेंटेज मीन्स 100। तो 90 यानी 100 में से 100 में से कितना अमाउंट खर्च किया, ₹90। सो 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टोटल अमाउंट से। टोटल कितना है, 560। सो 560 जीरो से जीरो मेरी कट गई, इस जीरो से इसको हमने डिडक्ट कर दिया। तो क्या बचा हमारे पास, 9 × 56। अब 56 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने 56 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 6 = 54, 5 9 5 = 45, 45 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 50। तो यानी उसने इतने रुपए ड्रेस पे खर्च कर दिए, कितने रुपए किए, ₹504। 560 में से यानी 560 में से ₹504 अकेले उसने ड्रेस पे खर्च कर दिए। कितनी खर्ची ली है ना। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने सारे फ्रेंड्स में इसको शेयर करो। बाकी सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आप उनको देखो ताकि आपको परसेंटेज का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए।